दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है, दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है वो वर्तमान समय में भारत में बन रहा है और जिसका नाम अयोध्या है, जो अभी 20-25% या 30% बन के तैयार है। और यहां से तो पूरा अयोध्या दिखेगा नहीं, अगर ड्रोन होता तो दिखाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अगले 10-15 साल में पूरा दुनिया रिसर्च करेगा कि एक पुराना शहर, हाँ। लगभग जिसका इतिहास जो है वर्तमान समय में 7000 साल पुराना है, इस युग में, कलयुग में 7000 साल पुराना है। विक्रमादित्य ने इस शहर को बसाया था, 7000 के आसपास इस शहर में मंदिर बनाया था, हर 100 मीटर पे 3 मंदिर था, उसके बावजूद जो है इस शहर को फिर डिजिटल युग में कैसे आधुनिक किया गया, उसका जीता जागता उदाहरण ये अयोध्या है। और देखिएगा इस पे रिसर्च होगा, और सिर्फ इंडिया में रिसर्च नहीं होगा, पूरी दुनिया में रिसर्च होगा, और इस प्रकार का शहर जो है पूरी दुनिया में बनेगा। ये बता दीजिए कि राम मंदिर से आम जनमानस का क्या फायदा होने वाला है? वर्तमान समय में राम मंदिर के वजह से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। भविष्य में ये अयोध्या जो है अगले 10 साल के अंदर अंदर कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। यही अयोध्या, यही पावन धरती अयोध्या, यही राम जी की धरती अयोध्या जो है कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। और आज से 25 साल बाद ये अयोध्या कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लोग आज कह रहे हैं कि मंदिर में जो पैसा लग रहा है वो फिजूल खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा तो कुछ और जगह रोजगार बांट देते। अरे उनके बाप का पैसा थोड़ी लग रहा है मंदिर में, मंदिर में राम भक्तों का पैसा लग रहा है, क्या बात करते हैं महाराज। उन लोगों ने क्या दिया है मंदिर में? अब मंदिर में सरकार का भी पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है राम भक्तों का है। तो जब उनके बाप का पैसा नहीं लग रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, वो स्विस बैंक से जो है अपना जो है एक भी चेक नहीं दिया यहाँ पे, तो वो क्यों रो रहे हैं? अरे कांग्रेस की सरकार कुछ राज्यों में है ना, उस राज्यों के मुख्यमंत्री आए और 200 करोड़ रुपया दे के जाए और बोले कि ये नदी पे जो है हम लोग जो है बढ़िया सा STP बना देंगे, बढ़िया सा डैम बना देंगे दोनों साइड, इसमें जो है 12 महीना पानी रहता है, इसमें जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आप बना दीजिए, लेकिन वो देंगे कुछ नहीं, लेकिन रोएंगे जरूर, क्योंकि उनके पेट में जो है ना इतना ज्यादा दर्द हो रहा है इस विकास को देख के कि हमने तो 70 साल में कुछ किया ही नहीं, आई 7-8-9 साल में इतना ज्यादा विकास देश का कैसे हो गया, तो उनका आंख में जो है ना रतौंधी हो गया, मोतियाबिंद, समझते हैं ना, मोतियाबिंद हो गया। रामलला का निमंत्रण भेजा जा रहा है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भी 22 तारीख को आए, लेकिन जो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनको क्या सुझाव देते हैं? वो तो निमंत्रण ठुकराए ना ठुकराए, राम जिसको बुलाएंगे वो यहाँ चले आएंगे। अगर राम नहीं बुलाते मुझे तो शायद मैं 1 महीना बाद जेल से निकलता, तो ये 23 दिसंबर को मैं जेल से निकला हूँ, 1 महीना बाद निकलता तो 23 जनवरी हो जाता और मैं नहीं आ पाता। तो राम जिसको बुलाएंगे वो तो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में और किसी भी स्थिति में यहाँ दौड़े चला आएगा। और राम जिस पे ब्रेक लगा देंगे कि तुमको नहीं आना है, उसको निमंत्रण क्या, उसको हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज दीजिए, उसको जो है कुछ भी भेज दीजिए, वो यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है इनका परिचय अगर मैं बताऊं तो इनको बिहार ही नहीं पूरे देश का क्रांतिकारी पत्रकार कहा जाता है। मनीष कश्यप जी मेरे साथ मौजूद है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यही तो आप लोग कह के और सारे पत्रकार लोगों को नाराज कर देते हैं मेरे प्रति। अरे एक ही पत्रकार क्रांतिकारी नहीं है, देश में अनेकों पत्रकार क्रांतिकारी है। कहते हैं जो जेल चला गया वही क्रांतिकारी बन गया। नहीं 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 ऐसा नहीं है, बहुत सारे पत्रकार है जो मतलब की हम लोग तो यूट्यूब से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, अपना रोजी रोटी भी चल जाता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो है जिनके पास कमाने का कोई संसाधन ना होने के बावजूद जो है वो ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अगर सारा क्रेडिट आप लोग मुझे दे देंगे तो उनके दिल पे ठेस पहुंचेगा कि देखो मैंने 40 साल अपना जवानी समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया और हमें कोई याद ही नहीं कर रहा है। तो इस देश में अनेकों पत्रकार हैं जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, जिनका इनकम का सोर्स जीरो है, उसके बावजूद जो है वो समाज की सच्चाई को दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। दे ऑल आर क्रांतिकारी पत्रकार। चलिए इस क्रांतिकारी पत्रकारों में हम भी शामिल हो गए, तो हमारे जैसे क्रांतिकारी पत्रकार मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि जब जेल से छूटे आते के साथ फिर क्रांति हो गई कि राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा। इनकी वीडियो जब मैंने देखी जो काफी वायरल हुई तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनसे बात की जाए। तो बताइए जो वीडियो काफी वायरल हो रही है कि राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा। देखिए प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया, मैं रात में 11:30 बजे हनुमानगढ़ी के पास जो राम के सबसे परम भक्त हनुमान जी है, तो हनुमानगढ़ी जो है वो कोतवाल बोला जाता है, द्वारपाल बोला जाता है उस जगह को, हनुमान जी को।
तो मैं वहाँ पे आया और रात के 11:30 बज रहे थे, सारा धुंध धुंध सा था, तो मैंने सोचा कि अब डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, तो मैंने कुछ दिखाया। उसके बाद से वहाँ से जाने के दौरान जो है, अगले दिन रात में वहाँ से जाने के दौरान जो है, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया कि कैसे डेवलपमेंट, मतलब कि राम मंदिर जो है विकास किया है। अब जरा सोचिए, इन घाटों का विकास हो गया है, जहाँ पे इधर लोग बहुत कम आते हैं, इन सारे घाटों का विकास हो गया। ये सड़कें जो है पतली पतली हुआ करती थी ये, और पूरा जर्जर हुआ करता था, ये सारा जो है सड़क बन गया है, आप देख सकते हैं। आज जो है पूरे देश का नहीं, विदेश का भी मीडिया यहाँ पे आ चुका है। यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ का जितना वायर है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। कमाल का एयरपोर्ट बना है, जिसका रनवे का लेंथ जो है वो पैरामीटर को फुलफिल करता है। वहाँ पे जो है नैरो बॉडी और ब्रॉड बॉडी, डेवलपमेंट पे बात करेंगे और डेटा के साथ बात करेंगे। अयोध्या के रनवे पे नैरो बॉडी प्लेन और ब्रॉड बॉडी प्लेन दोनों उतर सकता है। बिहार के पटना, जो राजधानी है बिहार का, जो लखनऊ एयरपोर्ट से पहले पटना एयरपोर्ट बना था, और आज भी लखनऊ से ज्यादा ट्रैफिक जो है पटना एयरपोर्ट का ट्रैफिक है। आज भी अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू मतलब कि अपना एविएशन मंत्रालय, आज भी ज्यादा है। लेकिन वहां पे आज भी पूरे भारत का सबसे डेंजर एयर स्ट्रिप है, और हर दो में से एक प्लेन इमरजेंसी ब्रेक पे उतरता है। तो जैसे बिहार में एक हवाई अड्डा पे इमरजेंसी ब्रेक पे प्लेन उतरता है, वैसे ही बिहार का विकास भी इमरजेंसी में चला गया। लेकिन अयोध्या का विकास देखिए आपने, आप कितना प्रॉपर तरीके से, हालांकि कुछ लोग इसे नकारने का प्रयास करेंगे, ये बात सत्य है। जैसे आप किसी पार्टी का समर्थक मत बनिए, 5000 मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हैं। जब कोरोना था तो मोदी जी के बनारस में जाके मैंने वीडियो बनाया था, उनके उनके संसदीय क्षेत्र में सवाल पूछा था कि अस्पतालों की स्थिति क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है। जब कोरोना था, पहला लॉकडाउन था, तो मैंने अपना आधा बाल छिलवाया था और बोला था कि मजदूरों को अगर आप लोग ट्रेन नहीं चालू कराएंगे तो हम लोग और विरोध करेंगे। तो उस समय जो है 24 घंटे के अंदर अंदर 50 या 52 ट्रेनें चालू हुई थी। तो हम सवाल उनसे भी करते थे, सवाल इनसे भी करते हैं, और हम पत्रकारों का काम है सवाल करना, लेकिन लोगों का भी काम है जो पार्टियों को वोट देते हैं। चुनाव के समय में आपको जिस पार्टी को देना है दीजिए, लेकिन जो पार्टी विकास कर रहा है उसके विकास को विकास एक्सेप्ट कीजिए, और करना पड़ेगा आपको। आज एक्सप्रेस वे बन रहा है, आज जो है हम पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे, हॉलीवुड फिल्मों में टॉम क्रूज आए और फाइटर प्लेन जो है रोड पे उतार दिए। हमने अमेरिकन फिल्मों में बहुत सारा देखा है, टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो में से एक है, उनका स्टील्थ और भी बहुत सारा फिल्म आया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। और आज भारत में हवाई जहाज जो है वो रोड पे उतर रहा है, भारत में एक्सप्रेस वे बन रहा है, और अमेरिका, जिसकी बात हम लोग करते थे कि बहुत अमेरिका बहुत शक्तिशाली है शक्तिशाली, उसका प्रेसिडेंट जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर बन जाता है। जरा सोचिए, ये है शक्ति का प्रतीक। और आज एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है भारत में बना है। तो ये सारी चीजें है, दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है, दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है वो वर्तमान समय में भारत में बन रहा है, और जिसका नाम अयोध्या है, जो अभी 20-25% या 30% बन के तैयार है। और यहाँ से तो पूरा अयोध्या दिखेगा नहीं, अगर ड्रोन होता तो दिखाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अगले 10-15 साल में पूरा दुनिया रिसर्च करेगा कि एक पुराना शहर, लगभग जिसका इतिहास जो है वर्तमान समय में 7000 साल पुराना है, इस युग में, कलयुग में 7000 साल पुराना है। विक्रमादित्य ने इस शहर को बसाया था, 7000 के आसपास इस शहर में मंदिर बनाया था, हर 100 मीटर पे 3 मंदिर था। उसके बावजूद जो है इस शहर को फिर डिजिटल युग में कैसे आधुनिक किया गया, उसका जीता जागता उदाहरण ये अयोध्या है। और देखिएगा, इस पे रिसर्च होगा, और सिर्फ इंडिया में रिसर्च नहीं होगा, पूरी दुनिया में रिसर्च होगा, और इस प्रकार का शहर जो है पूरी दुनिया में बनेगा। आप कह रहे हैं कि इस पे रिसर्च होगा, तो क्या जो सत्ता के विरोध में लोग जो बैठे हैं वो रिसर्च नहीं कर पा रहे, क्या एक नहीं, सरकार नहीं, का नहीं, विरोध नहीं, के चक्कर में वो राम का विरोध कर बैठे हैं? देखिए, वो लोग रिसर्च कर लिए हैं, उन्हें पता है कि वो लोग अयोध्या जाएंगे, मीडिया सवाल विकास पे पूछेगा, मीडिया राम मंदिर पे पूछेगा, और वो लोग राम भक्त नहीं है, वो लोग राम भक्त नहीं है, उन लोग विकास देखना ही नहीं चाहते हैं, भारत का जो विकास हो रहा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अब अयोध्या में आएंगे, मीडिया पूछ दिया कि चिकनी सड़कें हो गई है, चौड़ी सड़कें हो गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं, तो इस पे वो लोग क्या बोलेंगे, इस पे तो कुछ बुरा बोल नहीं सकते हैं। राम मंदिर बन गया, इतना सुंदर मंदिर बन गया, इस पे क्या कह सकते हैं। तो इसलिए जो है वो विनाश की राजनीति करते हैं,
वो लोग जो लोग जो है अयोध्या में निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं आ रहे, वो लोग विनाश की राजनीति करते हैं। तो विनाश की राजनीति करने वाले लोगों की जरूरत अयोध्या में नहीं है, वो लोग जो है श्रीलंका में जाए। आप कह रहे वो लोग जो है रावण का पहाड़ जो श्रीलंका में है ना, हाँ। वहाँ पे जाए, यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। दिखा दे सीना चीर के, हनुमान जी के दिल में बसते थे, सीना चीर के दिखा दिए। हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते, इसीलिए राम जी के पास आके जो है हम लोग मत्था टेक लेते हैं। तो वो लोग या तो राम जी के पास आके मत्था टेक लें तो हम मान जाएंगे कि राम भक्त है, नहीं तो सीना चीर के दिखा दे कि उसमें राम बसे हैं तो हम लोग मान जाएंगे राम भक्त। वो लोग राम भक्त नहीं है। अगर जो राम का विरोध कर रहा है वो राम भक्त हो ही नहीं सकता, वो रावण भक्त हो सकता है, वो कंस भक्त हो सकता है, वो दुर्योधन भक्त हो सकता है। और कंस रावण दुर्योधन का क्या हुआ सतयुग द्वापर त्रेता में आपको पता है ही, और कलयुग में भी ऐसे ही राक्षस कुछ हुआ करते थे, ओसामा बिन लादेन और भी बहुत सारे, उन लोगों का क्या हसर हुआ आपको पता है। अच्छा, आपकी जो वीडियो वायरल हुई थी कि जो आस्तिक लोग हैं उनको दिख रहा है कि राम मंदिर से कितना विकास हो रहा है। देखिए मैं आस्तिक लोग यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटी बड़े बड़े लोग मुस्लिम लोग हज यात्रा को जाते हैं, हज यात्रा को जाते हैं तो सऊदी अरबिया को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के वजह से जो है सऊदी अरबिया डेवलप हुआ। जब मक्का मदीना का फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। ये बात अटल सत्य है कि मक्का मदीना को बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। तो जब हमें मक्का मदीना का विकास दिख सकता है, जब हमें सऊदी अरबिया का विकास दिख सकता है, जब हमें जेरूसलम में जो मुस्लिम हिंदू और क्रिश्चियन तीनों का धार्मिक स्थल है, जब जेरूसलम का विकास दिख सकता है, जब हमें वेटिकन सिटी जो एक छोटा सा देश जिसके पास अपना सेना तक नहीं है उस वेटिकन सिटी का विकास दिख सकता है, तो हमें अयोध्या का विकास क्यों नहीं दिख सकता है? एकदम बिल्कुल दिखेगा। और अगर जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए हम लोग ड्रोन शूट कराएंगे अयोध्या का, और ड्रोन शूट करा के जो है सोशल मीडिया पर डालेंगे। अगर आंख से अंधे नहीं होंगे तो उन्हें दिख जाएगा विकास, अगर आंख से अंधे होंगे तो उन्हें विकास नहीं दिखेगा। तो ये बता दीजिए कि राम मंदिर से आम जनमानस का क्या फायदा होने वाला है? वर्तमान समय में राम मंदिर के वजह से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। हवाई जहाज यहाँ पे उतर रहा है तो हवाई जहाज किसी ने बनाया होगा, 1000 ट्रेनें चल रही है तो 1000 ट्रेनों को किसी ने बनाया होगा, ये स्ट्रीट लाइट कहीं से बन के आया होगा, सीसीटीवी कैमरा कहीं से बन के आया होगा, ये कोटा पत्थर कहीं से बन के आया होगा, सड़कों पे जो गिट्टी बालू यूज हो रहा है वो भी कोई तोड़ता होगा, बनाता होगा, कहीं से नदी से निकालता होगा, सीमेंट किसी कंपनी से आ रही है। यहाँ पे अयोध्या में जो है जो नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी उनको रोजगार मिला, जिनकी दुकानें हैं उनको रोजगार मिला, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से जुड़े हैं उनको रोजगार मिला, अस्पतालों में लोगों को रोजगार मिला। तो आज के समय में 5 लाख लोगों को रोजगार अयोध्या दिया है, जो आज से 5 साल पहले 5000 लोगों को भी रोजगार अयोध्या नहीं दिया था। अयोध्या कराह रहा था, अयोध्या रो रहा था, अयोध्या तड़प रहा था कि भाई मेरे तरफ भी सरकारें देखे और मेरा भी विकास कर ले। आज 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सूरत एक शहर है जहाँ पे 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, दिल्ली में जो है करोड़ों लोगों को, मुंबई में जो है करोड़ों लोगों को, भविष्य में अयोध्या जो है अगले 10 साल के अंदर अंदर कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। यही अयोध्या, यही पावन धरती अयोध्या, यही राम जी की धरती अयोध्या जो है कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। और आज से 25 साल बाद ये अयोध्या कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और वो सारे लोगों को रोजगार जो है ना प्रभु श्री राम की कृपा से और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस कृपा से मिलेगा। अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है इन कामों में? मतलब मजबूती से आप तो बहुत चेक करते हैं कि कितना काम है, पैरामीटर पूरा नाप लेते हैं। यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है, यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, यहाँ पे राम भक्त है, राम के सेवक है, और राम के सेवक जहाँ पे काम करेंगे वहाँ भ्रष्टाचार कैसे होगा? हाँ, हालांकि कुछ लोग अगर इसमें भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे तो ये सारे गुरुजन है, उनको समय समय पे मार्ग दिखाते रहेंगे, उनको जो है समय समय पर बतलाते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी तो मुझे जो है किसी काम में कुछ गलतियां नहीं दिखाए। हाँ, अगर दिखेगा तो मैं उस चीज को जरूर दिखाऊंगा, और मैं डरूंगा नहीं कि योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है और गलत हो गया तो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा और डेफिनेटली वो चीजें जब मैं दिखाऊंगा तो उसमें सुधार होगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है कि रामलला का निमंत्रण भेजा जा रहा है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भी 22 तारीख को आए, लेकिन जो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहिए? जरा सोचिए, हमको कोई रामलला का निमंत्रण सरकार के तरफ से नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, कुछ नहीं आया। अयोध्या में आए, जहाँ गए भरपूर प्यार मिला, हनुमानगढ़ी में गए, जिस भी महंत के पास गए, जहाँ भी जिन लोगों के पास भी गए भरपूर प्यार मिला। तो देखिए, वो तो निमंत्रण ठुकराए ना ठुकराए, राम जिसको बुलाएंगे वो यहाँ चले आएंगे। अगर राम नहीं बुलाते मुझे तो शायद मैं 1 महीना बाद जेल से निकलता तो ये
23 दिसंबर को मैं जेल से निकला हूँ, एक महीना बाद निकलता तो 23 जनवरी हो जाता और मैं नहीं आ पाता। तो राम जिसको बुलाएंगे वो तो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में और किसी भी स्थिति में यहाँ दौड़े चला आएगा। और राम जिस पे ब्रेक लगा देंगे कि तुमको नहीं आना है, उसको निमंत्रण क्या, उसको हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज दीजिए, उसको जो है कुछ भी भेज दीजिए, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी जो लोग नहीं आ रहे हैं कहीं नहीं तो कहीं राम उन्हें नहीं बुलाना चाह रहे हैं। जब हमने बात शुरू की थी तो मात्र यहाँ 2-3 लोग खड़े थे, आप देख सकते हैं कितने देख रहे हैं, ये आपकी आवाज का कमाल हो रहा है। ये नहीं, ये आपको देखने के लिए लोग आए हैं, सभी लोग पहचानते हैं, अभी पहचानते हैं। अच्छा तो सुनिए, सुनिए सुनिए, पहचानते हैं ना आप भैया, तो सुनिए सुनिए, हम वीडियो बनाते हैं, हाँ, गुटका काय खाते हैं भैया, छोड़ दीजिए, ठीक है, आज से गुटका छोड़ दीजिए, नहीं आज से बोलिए। अब देखिए, अब हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं और इनको फोटो की जरूरत है, और अगर कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा ये लाल हो जाए तो ये समझेंगे भैया कि मनीषवा जो है उसका मतलब कि सफलता जो है सर के आंखों पे चढ़ गया, सर पे चढ़ गया। तो हम लोगों की भी मजबूरी होती है, यहाँ पे फ्लो टूट जाता है, क्योंकि हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, दिमाग में जो है कोई ये नहीं लगा, हार्ड डिस्क नहीं लगा है, आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट देना पड़ता है। तो जब हम लोगों अगर कहीं कुछ बोल रहे होते हैं कैमरा के सामने, तो उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पूरी तैयारी अब रामलला के दर्शन करने की हो गई है, भव्य मंदिर। अरे कर लिया हूँ मैं दर्शन, और फिर मंदिर जब बन जाएगा तो भी करूंगा।